आपका नाम बताओ जी। मेरा नाम मनोज कुमार है। मनोज कुमार जी, आपकी वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको दवाई दी नहीं। नहीं जी, मैं दवाई लेके भी नहीं गया। ठीक है, ऐसी वीडियो बनाने का कोई भी मतलब नहीं रह जाता है कि बिना दवाई के क्या मतलब हुआ, और बिना दवाई के ही ठीक हुए। बिल्कुल, आप किसी पेशेंट को लेके आए थे जी, उस पेशेंट ने भी आपका शुक्रिया अदा किया क्योंकि आपने उनका किराया भाड़ा भी आपने दिया जी। ठीक है, वसूल हो गया। जी, हसीन के चेहरे की है ना, वो वसूल कर दिया। कोई नहीं करता जी, आज की तारीख में किसी का भला कोई नहीं करता बिना मतलब के। हर बंदे को कुछ ना कुछ मतलब होता है, होगा तभी तभी होता है। लेकिन इसमें आपका फायदा क्या हुआ, उसकी वीडियो बना रहे हैं आप, उनके साथ आए, उनका भाड़ा दिया आपने लेके आया, बड़ा अच्छा लगा मुझे। ऐसा कई और भी हो कि जिनका कोई ना हो उसके सहारे हैं। ठीक है, हम लोग हमने कुछ चीज़ बताया था, और आपकी आप उनकी मिसेज, क्या नाम आपको? मिन्नी जी। आपका तो आपको एलर्जी थी? हाँ जी, स्किन एलर्जी थी, इसे पूरे शरीर में, मतलब सर से लेके हाँ और पैर तक पूरे स्किन में। कितने साल से एलर्जी थी आपकी? 3 साल से एलर्जी थी। कहाँ कहाँ दवाई लिया था आपने? ये गांव में से लिया, सरकारी हॉस्पिटल है, काशी राम हॉस्पिटल। मैंने करीब करीब सबसे ले लिया आपने, छोटे बड़े सबसे, मतलब हॉस्पिटल छोटा बड़ा डॉक्टर सब, दवाई लगाने की भी, वैसे भी लगाने की भी, खाने की भी सब। जब तक खाओ, जब तक खाए, जब तक आराम आराम, छोड़ते ही फिर तुरंत चालू। 2 दिन बाद छोड़ दूंगी तो ऐसा लगेगा कि फिर चालू हो गई, फिर चालू हो गई। मतलब दवाई का असर जब तक है तब तक रहा, शांत है, नहीं तो फिर चालू हो, फिर चालू हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा पेशेंट मेरे पास बिना दवाई के ठीक हो जाए, सिर्फ मैंने कुछ बात बताई थी आपको, ठीक है, कुछ खाने पीने का सिस्टम बताया था और एक स्नान बताया था। हाँ जी, तो छूना भी कभी ऐसा लगा था मुझे कि इसमें कभी मतलब लगा तो रही हूँ, कभी ना जाए। हाँ, ठीक होगा कि नहीं होगा। हाँ, लेकिन क्या इतनी दवाई खा गिरने के बाद भी आराम नहीं हुआ? हाँ, ये बात अच्छी लगी, जब इतने बड़े हॉस्पिटल, इतने बड़े बड़े लोगों, डॉक्टर की दवाई खाने के बाद नहीं हुआ, और डॉक्टर साहब क्या से क्या होगा, ये मन में था। ये बात आप बिल्कुल सच कह रहे हो, ये वीडियो की सच्चाई बयां करती है जी, क्योंकि इस तरह की जो बात है, ये भी जबरदस्ती मैंने लगाया है। मैंने कहा बच्चों को, मगर तुम लगा दो, उनको नहीं, हमें तो बदबू आती है, तो मैंने खबर जबरदस्ती लगवाया, क्योंकि लगा भाई, लगा तो देखो, जो शख्स को हाथ भी नहीं लगाती थी है ना, उसको से स्नान करवा दिया। ठीक है ना, कितने दिन में आराम मिल गया आपको? ये तो एक बार में, फर्स्ट बार में, फर्स्ट मील लग गया, वैसे फर्स्ट बार में आराम लग गया, फिर 2 बार कराया बस, जब से 2 बार 22 दिन। वैसा ये नहीं कि ऐसा लगा था, मेरे खुजाने से जैसे दफड़ पड़ गया, जहाँ से खुजलाया वहीं पर वो लाल लाल से बढ़ जाने, पित्त बढ़ जाना। ठीक है, वैसा था, ऐसे हो जाता मेरे पूरे शरीर में। और अब तो गर्मी का समय था, अब तो बड़ी हालत खराब होती है। बहुत बुरी जी, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, एक फोटो है मैंने खींच रखा कि मेरे क्या हो गया, क्या हो गया। ये रोग तो सबसे खतरनाक है जी, धूप से मतलब गर्मी में बाहर नहीं निकल सकती मैं कभी भी, और अब जब मैं ऐसे निकल जाऊँ की कुछ पता नहीं लगता। अब कुछ देखो, 3 दिन का जीव विज्ञान बनानी चाहिए ना वीडियो सर। 3 दिन में मुझे फर्क लग गया, कुछ दवाई नहीं दी, हफ्ते में भी नहीं हुआ है कि ना 15 दिन में। हाँ, बस 3 दिन का गैप है। अब इस वीडियो का क्या नाम दोगे सर? इसमें तो मेरा दवाई का नाम भी नहीं है, और मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, ताकि मैं लोगों को बता सकूँ जिस विज्ञान को इन लोगों ने भुला दिया था, गाय, गौ माता। गौ माता का गोबर का लोग घृणा करते हैं, वो गौ माता की कितने साल की बीमारी? 3 साल की बीमारी 3 दिन में ठीक हो गई, कह सकते हैं ना जी? बिल्कुल जी, बिल्कुल। और उस गौ माता को कचरा खाना पड़ रहा सड़कों पर, बिल्कुल, वो दर दर फटक रही है, और नंदी कदर ही नहीं कर रहा, कोई कदर ही नहीं कर रहा, नंदी को मार के भगा देते हैं। इंजेक्शन में आदमी कुत्ता पाल लेगा पर गाय नहीं पालेगा। अब बताओ मुझे ये हाल हो रहा है। अब अगर आपको बोला जाए तो गाय रखने के लिए नहीं रखोगे? नहीं रखते हैं जी, हम तो अभी हम गांव में नहीं है, अभी यहाँ पे रह रहे हैं, ग्रेटर नोएडा में जॉब कर रहे हैं। हाँ, जिस दिन गांव में चले गए, 3 साल बाद जा रहा हूँ गांव में, तो फिर गाय रखूंगा। आपको पता है इस समय आप कितने बड़े डॉक्टर हो, स्किन स्पेशलिस्ट हो, अभी कर सकते हैं ना, तो लोगों को तो ठीक कर सकते हो आप। अब तो आपको पता चल गया 3 दिन में ठीक कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन ये वीडियो आप औरों को जाएगा तो धंधा बंद हो जाएगा। फोटो है नहीं, डिलीट कर दिया। कोई बात नहीं, जरूरत नहीं है, हमें क्यों दिखाना जी, हम सच बोल रहे हैं ना। हमने कोई बोला क्या मेरी दवाई का नाम ले रहा हूँ कि मैं मेरी आपको दवाई दी थी जी और 3 दिन में ठीक किया जी? आए थे हम पहले तो जब ही फर्क गए थे कि ठीक है, इन्होंने बोला कि लगा कि इतने बड़े डॉक्टर से ठीक नहीं, मैं लगा के देखती हूँ। पहले दिन में आराम मिल गया, 2 दिन एक्स्ट्रा लगाया। हाँ जी, तो ऐसी तो बोलेंगे संजीवनी बूटी। बिल्कुल जी, बिल्कुल।
कि एक दिन में ही ठीक करना, तो संजीवनी बूटी मिल गई, 3 साल की बीमारी एकदम एक दिन में ही कवर आना, ठीक है। गर्मियों में मेरे होता है ऐसे, सर्दियों में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। अभी तो गर्मी भयंकर पड़ रही है, गर्मी हो रही है कि मुझे हॉस्पिटल में लगी, जो मैं ऐसे ना करती, ऐसे बैठ नहीं पाती, हाँ 2 मिनट बैठ नहीं पाती मैं। मुझे पता है जी, मैं जानता हूँ पेशेंट को, इस गर्मी उनके लिए कितनी खतरनाक है, जिनका शरीर में पित्त निकलने लगता है। मेरे यही हाल था, यही हाल था। अब क्या बोलोगे गौ माता को? और एक स्किन बहुत सॉफ्ट होगी, बच्चों की तरह, बच्चों की तरह एकदम। आपको ही मन कर रहा होगा कल जाके जैसे दाने वाने हो रहे हैं ना, वो खत्म हो जाए, है ना, सॉफ्ट हो जाए, बिल्कुल साफ हो गया, ऐसे हाथ लगा उस पे लगाने मन करता है, अपने शरीर पर ही हाथ लगाने का मन करता है, जैसे बच्चे को छूते हैं ना, छोटे बच्चे को, हुआ ना जी, ऐसा लगता है ऐसे। आप देखो, हाँ वो बहन जी बोलती है मैं स्नान करती हूँ, ये मुंबई में रहती है। देखो मैं एक ही बात कहूँगा जी, जिस विज्ञान को आप लोगों ने भुला दिया था, जिस गौ माता को सड़कों पर कचरा खाना पड़ रहा है, उस गौ माता की इतनी बड़ा विज्ञान है कि बड़े से बड़े डॉक्टर उसके पास फैल है, फैल है जी, ठीक है। चाय पीते हो? चाय नहीं, हम तो दूध पी रहे हैं आजकल, छोड़ दिया, पहले कितना पीते थे? चाय तो अगर मैं घर पे हूँ तो 6 चाय कम से कम, अगर मैं घर पे हूँ तो 6 चाय, और नहीं तो नहीं हूँ तो बस सुबह। अब कितनी, आप कितनी पीते? अब चाय नहीं पी रहे, बिल्कुल बंद, दूध पी रहे, अब दूध पी रहे। देखो यही बातें आप लोगों को बताई जाएगी हमारे यहाँ पर सबको, जरूरी नहीं कि आपको दवाई लेने की जरूरत है मेरे पास, बिना दवाई के भी ऐसी चीज खा रहे हैं जिसमें केमिकल नहीं है। नहीं, ये हुई बात, सारी बात नहीं बताएंगे नहीं तो फिर आपका धंधा खत्म हो जाएगा, ठीक है। हम चाहते हैं आप हमारे घर में जी, देखो फ्रिज भी नहीं है, हम फ्रिज भी नहीं, ये राजीव दीक्षित के वो भक्त है, मैं उनका फैन हूँ, ये हुई बात, मैं उन्हें फॉलो करता हूँ आज से नहीं, काफी टाइम से करता हूँ। घड़े का पानी पीते हैं, घड़े का पानी, गर्मियों में आपने इनका पागलपन सहन कर लिया? हाँ जी। राजीव दीक्षित की बात जैसे, मैं तो बहुत समझाता हूँ, मैं कभी पेस्ट नहीं करता, मुझे कई साल हो गए, मैं या तो नमक हल्दी तेल और या नीम की दतों, या चरचीटे की जड़, जड़ जो होती है ना चरचीटे की, उसकी जड़ की देखो कर लो, ये तो राजीव दीक्षित की शख्स जानते हैं, जैसे घर में बोलेंगे ना फ्रिज हटाने के लिए तो घरवाली बोल रही थी फ्रिज लाओ, मगर नहीं मैं लाऊंगा नहीं भाई फ्रिज, वो कहते वो तो जहर है अपने लिए, मैं बताऊं, मैं नहीं बोल रही थी फ्रिज के लिए, इनके छोटे भाई है ना, वे बोले थे कि गर्मी आ रही है, मैंने कहा रहने दो, मगर मैं इसलिए बोल रहा हूँ जी, राजू दीक्षित को सुन लेना जी, सारी बातें आपको सुनेगी। हम एक बात जानते हैं, ऐसे शख्स को पागल बोला जाता, मुझे भी बोला जाता था, क्योंकि ऐसा बोलो घर में नहीं चलता, इन्होंने सारी बात को फॉलो किया, आज इनका ये कदम से कदम मिलाकर साथ देंगे, क्योंकि आज इनकी जो बीमारी ठीक हुई वही राजीव दीक्षित के द्वारा बताई गई बातों को लेकर आप लोगों के सामने रखा। मेरा नया विज्ञान नहीं था जी, इसको सुनना और बच्चों को सुनाना, ठीक है। मैंने ना एक अपना मैं बताऊँ, एक तो मैं धोती कुर्ता पहनता हूँ 3-4 साल से, बहुत बढ़िया, और एक मैं कॉपर की बोतल में पानी पीता हूँ, बहुत बढ़िया। मेरे देख हम देखना कंपनी में 10 लड़के कॉपर की बोतल से पानी पी रहे हैं, ठीक है। और मैंने खुद जो एसी की जो लाइन होती है ना कॉपर की, वो खराब जो ऐसी हो जाती है ना, उसे निकलवा के मैंने उसमें डलवा दी 500 लीटर के टैंक कंपनी में, उसका लोग भी पानी पी रहे हैं, बहुत बढ़िया बात, ठीक। कॉपर के पानी उन्होंने डाला, होना चाहिए, इन्होंने डाला। तो मैं एक बात रखना चाहूँगा, इस वीडियो बनाने का जो आज मकसद था वो सिर्फ ये था कि देसी गाय से स्किन की कैसी भी प्रॉब्लम, 3 साल की प्रॉब्लम 3 दिन में बहन ने ठीक किया, तो आज आप लोगों को उन डॉक्टरों को बड़ा गुस्सा आएगा इस वीडियो पर, जो स्किन के गुस्सा है ना, हमारे लिए तो फायदा है, हमें क्या मतलब, हमें तो सही से सही एक बात हो रही है, उनके परिवार में भी पेशेंट होंगे तो गुस्सा वैसा क्या है, लेकिन उनको फायदा भी मिलेगा, ठीक है। हमने कोई दवाई नहीं दी इनको, बिना दवाई के ये ठीक हुए, तो इस वीडियो को किसी को भी ना लगे कि हम ये अपने प्रमोट के लिए, अपने फायदे के लिए वीडियो को बनाते हैं, तो हर पेशेंट के वो जो बातें होती है हम सच को रखते हैं, अब कोई माने या ना माने, ठीक है, सच्चाई है, ये तो हमारी तो सच्चाई है। आज आपकी गर्मी जो है ना आपको सर्दी की तरह लग रही होगी, ठंडा ठंडा कूल कूल है ना, लग रही है मुझे, लग रही है ना, बहुत इन दिनों में आगे तो इतना बुरा हाल है कि मेरे से बैठना मुश्किल है, कहीं जाती नहीं, रिश्तेदार मैं जाती नहीं गर्मियों में, मने कर दे इनको, मैं अगली बार सब जगह जाना, अब तो जाएगी, प्लान नहीं है, मैं छुट्टियों में पड़ती है ना, मैं कहीं नहीं जाती। कैसे निकले घर से बाहर, क्यों मुझे लगता है कि कहीं जाऊंगी तो पता नहीं क्या परेशानी हो रही है, क्या बोलेंगे लोग, मुझे बगल में बैठने देंगे भी नहीं देंगे, है ना, ये बात होती है, मैं जाऊं नहीं थी कहीं भी, पर अब लग रहा है कि जाऊंगी, अब जाऊंगी, अब तो आप डॉक्टर लिखना, स्किन स्पेशलिस्ट, क्या नाम आपका, मिनी, डॉक्टर मिनी लिख सकते हैं ना, तो 3 दिन में ठीक करने वाला, तो कितना बड़ा डॉक्टर होगा जी, ठीक है, नमस्ते।